नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, आपके भी अगर कोई सूट या कोई सी भी ड्रेस बनाते हो या साड़ी का कोई सा बचा हुआ टुकड़ा है तो उसका यूज करके बहुत ही काम की चीज़ बना सकते हो। तो देखिए, ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और इसकी लंबाई रखी है मैंने 21 इंच और देखिए ये चौड़ाई 10 इंच है। तो इस प्रकार इसका मेजरमेंट है। ऊपर का पार्ट जिससे 4 इंच है, उसके नीचे वाला भी 4 इंच है और ये साइड वाला भी 4 इंच है और इधर वाला 3 इंच है और नीचे वाला 2 इंच है। इस प्रकार मैंने इसकी कटिंग की है और इन सब की चौड़ाई मतलब 7-7 इंच है। अभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये भी 7 इंच है, ये भी 7 इंच, नीचे वाला भी 7 इंच और ऊपर वाला भी 7 इंच और ये साइड वाला भी 7 इंच। इस प्रकार इसका मेजरमेंट है। अब इस पेपर पेस्टिंग को अलग रख देते हैं और पहले ये कपड़े लेंगे और अब इस पर हम चिपका देंगे। तो प्रेस की सहायता से इसको चिपका देंगे। तो देखिए, मैंने इसको चिपका दिया है। चिपकाने के बाद में आधा आधा इंच थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो देखिए, पूरे कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हमें एक और कपड़ा लेना है। तो देखिए, इस प्रकार इसको चिपका दिया था और चिपकाने के बाद में कटिंग की है और एक और कपड़ा लेना है इसके अस्तर के लिए और इसी के बराबर एक और कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो जहाँ से आपके बैठ जाता है अच्छे से, उधर से आप कटिंग कर सकते हो। तो मैं इसकी कपड़े के बराबर इसकी कटिंग कर दूँगी। तो देखिए, ये भी मैंने कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद में क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है जो 4 इंच का है, उसकी थोड़ी गोलाई में कटिंग करनी है, क्योंकि पहले मैं भूल गई थी, मैंने की नहीं। और अगर आप ये कपड़ा जो पेपर पेस्टिंग पे पहले ही कटिंग कर देनी है, बाद में इसको चिपकाना है, पर मैं भूल गई थी इसलिए बाद में कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो देखिए, इस प्रकार थोड़ा सा गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करनी है इस प्रकार। अब इस अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखते हुए इसके चारों ओर सिलाई लगानी है, बस थोड़ा सा छोड़ना है कपड़ा इसको सीधा करने के लिए। तो देखिए, मैंने सब तरफ सिलाई लगा दी है। यहाँ से थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ा है, अब इसको सीधा कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर कोनों पर थोड़ी कटिंग कर देंगे कपड़े की, जो भी एक्स्ट्रा है उस पर, और इस कपड़े पर छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे ताकि ये आसानी से सीधा हो जाए। इस प्रकार आप पूरा इसको वीडियो में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोलने में कहीं भी गलती हो सकती है और कहीं गलती हुई हो तो माफ़ भी करिएगा। तो देखिए, इस प्रकार इसको सीधा कर देंगे। तो अभी मैं आपको सीधा करके बताती हूँ। तो देखिए, पूरा सीधा हो गया है और जहाँ ये खुला मुँह है यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसके पूरे के ऊपर एक टॉप सिलाई लगा देंगे हम। तो देखिए, मैंने पूरे पर सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद में देखिए, सबसे पहले हमने जो 4 इंच वाला पार्ट लिया था, मतलब एक तरफ 4 इंच का कटिंग की थी, वो पहले फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद में 3 इंच वाला और इसके बाद में नीचे वाला जो 2 इंच की कटिंग की थी वो वाला इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। तो देखिए, साइडों में मैंने सिलाई लगा दी है इस प्रकार दोनों तरफ। तो देखिए, हमारा 3 पॉकेट वाला पर्स कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। और अब यहाँ पर हमें एक टच बटन लगाना है। तो ये मैंने टच बटन लिया है, अभी मैं आपको लगा कर बताती हूँ। तो देखिए, टच बटन हमने लगा दिया है और देखिए, हमारा बहुत ही प्यारा बेकार कपड़ों की कतरन से पर्स बनकर तैयार हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।